हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया मैं एक न्यू फोटो एडिटिंग, जो मतलब जिसका ट्यूटोरियल पहले आ चुका है लेकिन वो फोटोशॉप में आया है, इसलिए मैं आपके लिए पिकआर्ट का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो फोटो आपने देख ली होगी कि मैं आपके लिए किस फोटो का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगी। एंड वीडियो का लिंक में आपको PNG और बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने एक जिप फाइल में डाला हुआ है अपना बैकग्राउंड एंड PNG जितनी भी है, तो उस जिप फाइल को खोलने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बीच में ही पासवर्ड है। तो वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको पासवर्ड मिल पाएगा। एंड वीडियो को ध्यान से देखना। जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड वीडियो को लाइक कर दे, एंड बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं अगली बार आपके लिए, अगर इस फोटो पे वीडियो पे ज़्यादा लाइक आए तो मैं अगली बार सर्वेंद्र सर की मतलब टॉपिक लाऊंगा, मतलब जो अगला टॉपिक वो बनाएंगे तो मैं वही टॉपिक लाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एंड चलते हैं चलो वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले पिकआर्ट खोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पिकआर्ट में बैकग्राउंड ले लूँगा, ऑल पे गया, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। मैंने बैकग्राउंड ले लिया है, तो जो मॉडल की PNG थी वो सर ने मतलब सर्वेंद्र सर ने पहले ही दे दी थी, तो मैं उसका ही यूज़ कर रहा हूँ। आप अपनी फ़ोटो ले सकते हो, और कुछ इस डिज़ाइन में फ़ोटो आपको क्लिक करवानी है, जैसे मतलब ऐसे खड़े होकर आपको फ़ोटो क्लिक करवा लेनी है। ठीक है, तो सिंपल इसको मैंने सेट कर दिया इस तरह से, एंड देखिए इस तरह से सेट कर दिया। एंड अब जाएंगे ऐड पे, ऐड पे जाने के बाद हम लेंगे PNG जो कुछ इस तरह की होगी, ये वाली PNG लेनी है हमें। एंड इसको ऐसे रखना है और फ़ोटो को जूम करना है, एंड कुछ इस तरह से लगा देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लगा देंगे बस। एंड अभी इसमें और PNG लेंगे हम, तो ऐड पे जाएंगे हम, एंड ये वाली सेलेक्ट करेंगे और इसको कुछ इस तरह से लगा देना है बिल्कुल। मतलब आपको मतलब जो भी PNG लगानी है वो फ़ोटो को जूम कर लीजिएगा, तभी आप लगा पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो सेकंड अब नेक्स्ट PNG आपको उनको ऐड करनी है, तो जो इस तरह की होने वाली है, सॉरी ये तो गलत हो गई, तो कहाँ गई वो, ये भी नहीं है, ऐड पे गई दोबारा, जी रही। ठीक है, इसको मैं हम ऐड कर लेंगे सिंपली कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐड करनी है हमें बिल्कुल, मतलब जैसे कोने से ऐसे निकल के आ रही हो, कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे थोड़ा। मतलब आप मतलब बिल्कुल ध्यान से करना, मतलब बिल्कुल अच्छे से करना, कहीं भी मतलब रह गया ना तो मतलब फिर फ़ोटो अच्छी नहीं लगेगी। तो दोबारा ऐड पे गए हम, एंड अब टैटू लगाएंगे हम जो हाथ पे लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये करना है, एंड ब्लेंड पे जाएंगे, ब्लेंड पे जाने के बाद मल्टीपल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल हो गया है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें एक और टैटू है जो हमारा गले पे है, तो ये इस तरह से इसको ले लेंगे हम, सेम ब्लेंड पे जाएंगे, इसे सेम ब्लेंड पे जाएंगे एंड मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद मैं सेट कर देता हूँ एंड राइट क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया है, उसके बाद जाएंगे हम टूल में जाने के बाद हम कर्व्स में जाएंगे, कर्व्स में जाने के बाद हम उसकी लाइटिंग बढ़ाएंगे एंड इरेजर पे जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे देख लीजिए हार्डनेस बिल्कुल कम करनी है, और इस तरह से हमें चलाना है ब्रश, देखिए इस तरह से ब्रश चलाना है, मतलब जहाँ जहाँ हमें लाइटिंग चाहिए ना वहाँ वहाँ हमें ब्रश चलाना है, देख लीजिए आप। ठीक है, और जैसे कोई भी हिस्सा बाहर निकला हो तो उसे हम ऐसे मतलब बिल्कुल जूम करके इरेज करना है, अगर कोई भी लाइटिंग आपको लग रही होगी अलग से दिख रही है तो उसको जूम करके इरेज कर देना है। एंड ये जो गोल सर्कल है पीछे वाइट, उसको अच्छी तरह से कर देना है, लाइटिंग बढ़ जाएगी फ़ोटो की। तो इसको मैं अच्छी तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेना है इसे, तो यहाँ पे हल्की सी लाइटिंग यहाँ पे देनी है, एंड जहाँ पे फालतू आ रहा है उसे इरेज कर लेना है।
स्लाइडिंग बाहर आ रही है यहाँ से रेस कर लेना। तो यहाँ पे कुछ हो गया है, ठीक है। यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे एंड दो PNG और ऐड करेंगे, मतलब जो इसमें शाइनिंग आ रही है टी शर्ट पर वो ऐड करेंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, तो मैं थोड़ी फास्ट कर देता हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. चुके हैं तो लाइट रूम में मैंने पहले फ़ोटो ऐड कर लिया, तो ऐसे मैंने भी फ़ोटो ऐड कर लिया। तो आपको मैं इसकी बैटरी पर डाल देता हूँ पहले। तो सिंपल आपको पहले लाइटिंग में जाना है, एक्सपोज बढ़ानी है, सॉरी पहले हाइट लाइट्स बढ़ा देते हैं, मैं थोड़ा भूल गया था। तो यहाँ पे एक्सपोज हल्की सी कम करनी है एंड शेडो कम करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो मतलब वाइटनेस है वो नॉर्मल रहने देना, ठीक है। एंड ब्लैकनेस कम कर देना हल्की सी, ठीक है। व्हाइटनेस हल्की सी बढ़ा देना, मतलब आप मैनेज कर लेना, मतलब आपकी जो मतलब फ़ोटो होगी, आपका मॉडल होगा उसके हिसाब से आपकी लाइटिंग मैनेज होगी। तो इसके बाद हम कलर में आएंगे, ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड ग्रीन पे आएंगे, हुई कम करेंगे, ठीक है। एंड येलो पे भी हुई कम कर देंगे एंड डन कर देंगे। डन करने के बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे इस पे आएंगे, ठीक है। एंड एक मिनट रुकिए, हम यहाँ पे भी मतलब थोड़ी छूट गया था मेरे से। यहाँ पे हम टिंट को थोड़ा कम कर देंगे, जो हमारा टिंट है उसको थोड़ा कम कर देंगे, जिससे हमारी फ़ोटो पे हल्का ग्रीन इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे स्प्लिट टोन पे,
यहाँ पे मिनट इस यहाँ पे बैलेंस बिल्कुल इधर करना है एंड शेडो को ले जाके हरे वाले पे छोड़ देना है, मतलब जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इधर ला के छोड़ देना है। आप मैनेज कर लेना, देखिए बिल्कुल मतलब अच्छा कलर आ रहा है। उसके बाद आपको यूनिटेज अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, मैंने इतनी रखी है, आप इतनी भी रख सकते हो। तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट में नॉइस हम 10 रखेंगे एंड कलर नॉइस रेडिएशन हम 10 रखेंगे, जिससे हमारी फ़ोटो मतलब ज़्यादा ब्लर भी नहीं होगी, मतलब सही रहेगी नॉर्मल। तो हमारी फ़ोटो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितना दोस्तों कितना अच्छा इफेक्ट आया, मैंने आपको बिफोर आफ्टर करके दिखाया, तो देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया, ठीक है। और अगर आपको और इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे हैं, आप इनमें से भी लगा सकते हो, इनमें भी 2-3 काफ़ी अच्छे इफेक्ट हैं, तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।